नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, और मुझे शो करना है nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए रेज टू एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। तो फ्रेंड्स मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, जैसे हमने बाकी के स्टैंडर्ड फंक्शन के nth डेरिवेटिव निकाले थे, यानी पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव लेने के बाद। तो देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी दैट इज ए। फ्रेंड्स अगर मैं अब सेकेंड डेरिवेटिव लूँ तो ए तो कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर चला आएगा, ठीक है। कॉस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी दैट इज ए। सो नाउ दिस इज इक्वल टू वॉट, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, देन ये माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर मैं अब थर्ड डेरिवेटिव लूँ तो माइनस ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है तो उसे मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी देन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी दैट इज ए, और ये हो जाएगा फाइनली माइनस ए क्यूब कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा कि थर्ड डेरिवेटिव में ए का पावर है 3, सेकेंड डेरिवेटिव में ए का पावर है 2 और फर्स्ट डेरिवेटिव में ए का पावर है 1। तो इतना तो फिक्स है फ्रेंड्स कि अगर मैं nth डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे ए का पावर क्या मिलेगा, n मिलेगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि मुझे जो चीज प्रूव करनी है उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन का टर्म चाहिए, कॉस का टर्म नहीं चाहिए, यानी जहां जहां यहाँ पर कॉस आपको दिख रहा है इसे साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखिएगा, ये पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर आपको याद हो कि साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय टू और साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले का यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, तो कॉस थीटा को लिख रहा हूँ साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी। सो मुझे लग रहा है आप ये समझ रहे हैं, आपने ट्वेल्थ में भी जरूर किया होगा, ये फॉर्मूलेज काफ़ी फेमस है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए साइन ए एक्स प्लस बी है और बाहर कौन सा साइन है, माइनस है, पर यहाँ क्वेश्चन जो मुझे चीज प्रूव करना है यहाँ पे कहीं भी मुझे माइनस नहीं चाहिए, यानी इस माइनस को मुझे हटाना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर साइन ऑफ पाई प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ये मैंने कैसे लिखा, बिकॉज साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, सो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने लिख दिया साइन ऑफ पाई प्लस एक्स प्लस बी, जिसका आंसर क्या होगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं ये, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ये पाई को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू इंटू टू, क्यों, क्योंकि ये टू टू कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिलेगा पाई मिलेगा, ठीक है। और ऐसा करने से एक पैटर्न बन रहा है, देखिए कैसे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे पाई बाय टू के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, वन मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पाई बाय टू के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, टू मल्टीप्लाई हुआ है। और इसलिए फ्रेंड्स अगर आप इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ साइन ऑफ थ्री पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी। सो अगर आप देखेंगे कि साइन ऑफ थ्री पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी को मैं इवेल्युएट करूँ तो मुझे माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी मिलेगा, ठीक है। तो इसे मैं करके आपको दिखाता हूँ, देखिए थ्री पाई बाय टू जो है उसे लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाय टू, ठीक है। सो इसलिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक। सो अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं इतने पार्ट को थीटा अज्यूम कर लूँ तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब फ्रेंड्स साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, सो ये फाइनली हो जाएगा, यहाँ पर थीटा क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट था कि आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना था कि पाई बाय टू का जो मल्टीपल है एक्चुअली में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कौन से टाइम डेरिवेटिव लिया, यानी सेकंड टाइम लिया तो यहाँ पे टू है, थर्ड टाइम लिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थ्री है, ठीक है। तो सिमिलरली फ्रेंड्स मैं आप लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ एन पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी प्रेजेंट होगा किसमें, एंथ डेरिवेटिव के टर्म में, और यही तो मुझे यहाँ पे शो करना है। मुझे लग रहा है काफी आसान था ये, बस आपको यहाँ पर साइन कॉस को लिखना था साइन ऑफ एन पाई बाय टू प्लस ए एक्स प्लस बी के टर्म में, जिसमें आपको बेसिकली इन फॉर्मूलाज का यूज करना था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर साइन की जगह कॉस हो जाए तो कैसे एंथ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।